गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। इसके प्रीवियस वीडियो में सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के लिए मैंने टॉपिक डिस्कस किया था पब्लिक एक्सपेंडिचर, और पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने देखा था कि सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं, सार्वजनिक व्यय का बढ़ने के क्या कारण हैं। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सार्वजनिक व्यय के क्या प्रभाव है। तो आज का ये टॉपिक सेमेस्टर थर्ड के इकोनॉमिक्स जनरल के स्टूडेंट के लिए है, जिनका सब्जेक्ट टाइटल है पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग प्रीवियस थोड़ा देख लेते हैं कि सार्वजनिक व्यय कहते किसे हैं, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो सार्वजनिक व्यय जो है वो लोक सत्ताधारी या सार्वजनिक सत्ताधारी, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक अथॉरिटीज, उनके द्वारा किया गया व्यय सार्वजनिक व्यय कहलाता है। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बहुत सारे व्यय किए जाते हैं, और ये सभी व्यय पब्लिक अथॉरिटीज करती है। पब्लिक अथॉरिटीज के अंतर्गत आप देख चुके हैं केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार सभी आते हैं, और ये पब्लिक के भले के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए और सामाजिक और आर्थिक कल्याण के कार्य के लिए वो खर्च करती है। 19वीं शताब्दी में हम देख चुके थे कि 19वीं शताब्दी तक जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, वे राज्य का कम से कम हस्तक्षेप स्वीकार करते थे, और इसलिए सार्वजनिक व्यय का बहुत ज़्यादा महत्व उस समय नहीं था। लेकिन जैसे 20वीं शताब्दी शुरू होती है, और जब 1936 में केन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई, जिसमें प्रोफेसर केन्स ने खासकर मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय की बात की, तभी से हम देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा, और आज हर राज्य कल्याणकारी कार्य करती है, सामाजिक और आर्थिक कार्य करती है, और इसके लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ चढ़कर किया जाता है। तो एक साधारण शब्दों में पहले हम ये समझ लें कि सार्वजनिक व्यय के लिए पैसे आते कहाँ से हैं। तो सरकार इन सभी चीज़ों पर खर्च करने के लिए आम जनता पर टैक्स के थ्रू, इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन करती है। जरूरत पड़ने पर वो सार्वजनिक ऋण भी लेती है, और फिर वो लोगों पर खर्च करती है, यानी जनता से लिए हुए पैसे को ही जनता पर अच्छे तरीके से खर्च करना, सार्वजनिक व्यय एक तरह से यही है। आज हम देखेंगे कि सार्वजनिक व्यय के क्या प्रभाव है। तो सार्वजनिक व्यय के प्रभाव की अगर बात की जाए तो इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं, लेकिन इसे एक हम शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करें तो ज़्यादा सहूलियत होगी हमें समझने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन। फिर हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय का संसाधनों के विचलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेज। फिर हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिरता पर किस तरह पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों को हम सार्वजनिक व्यय के प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम इन पाँचों तथ्यों को ढंग से देखेंगे कि सार्वजनिक व्यय के प्रभाव किस तरह से पड़ते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न किया जाए कि सार्वजनिक व्यय के क्या प्रभाव पड़ते हैं, या सार्वजनिक व्यय के पड़ने वाले प्रभावों की विस्तृत व्याख्या करें, जो जनरली ग्रुप सी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 15 मार्क्स के होते हैं, तो उस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देंगे, आइए हम लोग एक नोट्स के माध्यम से देखते हैं, जिसमें टू दी पॉइंट सटीक रूप से आपको किस तरह से लिखना है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं।
इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय के प्रभाव, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। सार्वजनिक व्यय किसी भी देश में उत्पादन, रोजगार और वितरण पर काफी दूरगामी प्रभाव डालता है। सार्वजनिक व्यय के प्रभावों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत इस प्रकार देखा जा सकता है। पहले आप पॉइंट्स का कलेक्शन कर लेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट्स है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, यानी उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के विचलन पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव। थर्ड पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आय के वितरण पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी आर्थिक स्थिरता पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव। और पांचवा पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव। फिर सभी को आप इस तरह से डील करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, सबसे पहले उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार किसी भी देश में उत्पादन तथा रोजगार तीन तत्वों पर निर्भर करता है। पहला, लोगों की कार्य, बचत और निवेश करने की योग्यता। दूसरा, कार्य, बचत और निवेश करने की इच्छा। और तीसरा, विभिन्न उपयोगों तथा क्षेत्रों के बीच आर्थिक संसाधनों का विचलन, यानी डाइवर्सन। तो सार्वजनिक व्यय इन तत्वों को कई प्रकार से प्रभावित करता है तथा देश में उत्पादन तथा रोजगार बढ़ाने में सहायता करता है। सार्वजनिक व्यय का प्रभाव इस प्रकार रहता है। सबसे पहला देखेंगे सामाजिक बीमा पर, यानी सोशल इंश्योरेंस। सामाजिक बीमा पर सार्वजनिक व्यय से बेरोजगारी, अस्वस्थता, मातृत्व, वृद्धावस्था पेंशन आदि लाभान्वित होते हैं तथा इससे अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। फिर देखेंगे मूल सुविधाओं पर, यानी ऑन बेसिक फैसिलिटीज। जब सरकार सस्ता राशन, कम किराए पर आवास, बच्चों के लिए दोपहर का भोजन, सस्ता दूध जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है तो बचत क्षमता बढ़ जाती है। फिर देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर। तो शिक्षा पर किया गया व्यय मानव पूंजी में निवेश से संबंधित है, क्योंकि इसमें कुशलता और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इसी प्रकार जन स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गए व्यय को भी मानव पूंजी में निवेश कहा जा सकता है, क्योंकि स्वस्थ कर्मचारी अधिक काम करते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर अगर व्यय किया जाता है तो मानव पूंजी का काफी अच्छा विकास होता है और यही ह्यूमन कैपिटल लॉन्ग रन में अच्छे प्रोडक्शन को अंजाम देती है और स्वस्थ कर्मचारी उत्पादन क्षमता को काफी तेजी से बढ़ाते भी हैं और देश की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। फिर इसको आगे इस तरह कंटिन्यू करेंगे कि ऋण तथा बैंकिंग सुविधाओं पर, यानी ऑन क्रेडिट एंड बैंकिंग फैसिलिटीज। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा अथवा सरकारी तथा सहकारी बैंकों का देश व्यापी जाल बिछाकर सरकार सस्ती और बेहतर बैंकिंग तथा ऋण सुविधाओं को कृषि, उद्योग तथा व्यापार को पहुंचाकर उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता देती है। फिर पिछड़े क्षेत्रों की अगर बात करें तो पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया सार्वजनिक व्यय बुनियादी सुविधाओं द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता करता है। सरकार इन क्षेत्रों में सड़कें, रेलवे, बिजली, उद्योग आदि जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इन क्षेत्रों का विकास करती है। फिर देखेंगे अनुदान या सब्सिडियों के रूप में। तो किसानों, फर्मों तथा उद्योगों को दी गई सब्सिडी तथा अनुदान के रूप में किया गया सार्वजनिक व्यय बहुत उत्पादक होता है। फसल अच्छी होने पर कृषि उत्पादकों की कीमतें कम हो जाती हैं, तब सरकार कीमत समर्थन पर संकट से बचाती है। अधिक उत्पादन प्रोत्साहन के लिए सरकार खाद, बीज, पंप आदि सहायतार्थ कीमतों पर उपलब्ध करा सकती है। इसी प्रकार उद्योगों को सब्सिडीज देकर उनकी उन्नति भी कर सकती है। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत सरकारी व्यय अपने आप में ही निजी से सार्वजनिक उपयोगों के लिए संसाधनों का विचलन है। सार्वजनिक व्यय लोगों को अपने संसाधनों के उत्पादकीय उपयोगों के लिए की ओर लगाने के लिए निम्नलिखित रूप से प्रोत्साहित करता है, जैसे बुनियादी ढांचों पर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। वास्तव में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली परिस्थितियों को पैदा करने में संसाधनों के विचलन के लिए बुनियादी ढांचों पर सार्वजनिक व्यय बहुत जरूरी है।
सार्वजनिक व्यय जब सड़कों, रेलवों, रेलवे, बिजली, सिंचाई आदि जैसे लॉन्ग रन बुनियादी सुविधाओं पर किया जाता है, तो यह संसाधनों के वर्तमान से भविष्य में उपयोगों में विचलन का प्रयास है जो अधिक उत्पादकीय होता है। फिर देखेंगे पिछड़े क्षेत्रों पर, यानी ऑन बैकवर्ड एरियाज। तो पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर सार्वजनिक व्यय अधिक विकसित से कम विकसित क्षेत्रों की ओर संसाधनों का विचलन है। यह विचलन तब होता है जब सरकार यातायात, बिजली तथा अन्य सार्वजनिक उद्यमों के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना पर अधिक व्यय करती है। फिर देखेंगे निजी उद्यम पर, ऑन प्राइवेट इंटरप्राइजेज। तो ऋण तथा आर्थिक सहायता के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यम पर किया गया सार्वजनिक व्यय संसाधनों को उत्पादकीय स्रोतों में लगाने में सहायता करता है। इस प्रकार के मामलों में संसाधनों से विचलन में से घटिया की बजाय बढ़िया किस्म की उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पॉइंट सुरक्षा पर, यानी ऑन डिफेंस। तो सुरक्षा तथा युद्ध पर किया गया सार्वजनिक व्यय संसाधनों का सबसे बड़ा विचलन है। इस प्रकार का व्यय संसाधनों का शांतिपूर्वक उपयोगों से युद्ध की ओर परिवर्तन करता है। किसी भी देश की रक्षा करना वहां की सरकार का पहला कर्तव्य है। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर किया गया सारा व्यय व्यर्थ नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकीय है। सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों तथा यातायात व संचार के अन्य साधनों पर किया गया सुरक्षा व्यय देश में बुनियादी ढांचों के गठन सहायता करता है, जो बाद में आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आय के वितरण पर सार्वजनिक व्यय के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सामाजिक कल्याण पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने से आय तथा संपत्ति के बीच असमानता कम करने में सहायता मिलती है। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर द्वारा ही असमानताएं कम की जा सकती हैं। आय के वितरण के उद्देश्य से सार्वजनिक आय दो प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, जिसको अंतरण व्यय बोलते हैं। इस प्रकार के व्यय से सरकार निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ाने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है। बेरोजगार, बीमार, विकलांग, निर्भर तथा मातृत्व लाभ तथा वृद्धावस्था पेंशन के लिए नगद सहायता के रूप में निम्न आय वर्ग को सहायता दी जाती है। फिर नेक्स्ट है एग्जॉस्टिक पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी विस्तृत सार्वजनिक व्यय। इस व्यय से सरकार की असमानताएं दूर होती हैं, क्योंकि इसके द्वारा सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूली बच्चों को मुफ्त दूध व दोपहर का भोजन, निःशुल्क यातायात, बच्चों तथा कर्मचारियों के लिए कम मूल्य अर्थात रियायती दरों पर राशन, कर्मचारियों के लिए रियायती दर पर भोजन, बिना किराया आवास आदि। फिर हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी आर्थिक स्थिरता पर सार्वजनिक व्यय के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन तथा कीमतों में वृद्धि होती है। अवस्फीति यानी डिफ्लेशन के दौरान सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग गुणक प्रतिक्रिया द्वारा बढ़ जाती है। इससे व्यय योग्य आय में वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों के निवेश व्यय तथा उपभोग में वृद्धि होती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में सड़कों, नहरों, बांध, पार्क, स्कूल, अस्पताल तथा अन्य भवनों का निर्माण आता है, और इस प्रकार के सहायतार्थ उपाय जैसे बेरोजगारी बीमा, पेंशन आदि पर भी सार्वजनिक व्यय होता है। तो इस तरह से टॉपिक पर हम डील करते चले जाएंगे। फिर देखेंगे लास्ट पांचवा टॉपिक जो आपका था कि इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे आगे कंटिन्यू करते हुए, आर्थिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाने, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने, आय बढ़ाने तथा जीवन स्तर ऊंचा उठाने, आय तथा संपत्ति में असमानताएं कम करने, निजी उद्यमों को की पहल को प्रोत्साहित करने तथा अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय संतुलन लाने में होता है। जैसे आप देख सकते हैं वृद्धि दर में वृद्धि, यानी राइजिंग ग्रोथ रेट। तो बुनियादी तथा भारी वस्तुओं उद्योगों की स्थापना में प्रारंभिक सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाता है। कैपिटल गुड्स में निवेश से लॉन्ग रन में उत्पादन में वृद्धि होती है, इसलिए सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था की तत्काल मांगों पर भी किया जाना चाहिए, जिससे कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़े तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो। फिर देखेंगे रोजगार, आय और उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्रोडक्शन।
आर्थिक तथा सामाजिक लाभ के अन्य कार्यों पर सार्वजनिक व्यय से रोजगार के व्यापक अवसर बढ़ते हैं, आय में वृद्धि होती है तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादकीय क्षमता बढ़ती है। फिर देखेंगे राजस्व तथा लाभ में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में एकाधिकार समाप्त करने के लिए सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की शुरुआत करती है, इससे सरकारी राजस्व और लाभ बढ़ते हैं। फिर देखेंगे असमानताओं में कमी, यानी रिडक्शन इन इनइक्वलिटीज। तो सार्वजनिक व्यय लोगों की अर्जन क्षमता में वृद्धि करके आय तथा संपत्ति की असमानता को कम करता है। ऐसा शैक्षिक सुविधाओं तथा कौशल में वृद्धि प्रदान करके किया जाता है। फिर देखेंगे क्षेत्रीय संतुलन, यानी रीजनल बैलेंस। तो सार्वजनिक व्यय पिछड़े क्षेत्रों तथा कम विकसित इलाकों की ओर उद्योगों को मोड़कर अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय संतुलन लाने में सहायता करता है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण औजार है। इस तरह से सारे पॉइंट्स को डील करेंगे और कंक्लूजन में, यानी निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के नियमन एवं नियंत्रण में सार्वजनिक व्यय की विशिष्ट भूमिका रहती है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका ये भी टॉपिक कवर अप हो गया। तो एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विकसित तभी होती है जब उस देश में सार्वजनिक व्यय उचित ढंग से किया जाए और वो एक नियम के दायरे में किया जाए, नियंत्रित रूप से किया जाए, तभी सभी जगह अच्छी तरह से आर्थिक विकास की गति तेज होती है और पूरी अर्थव्यवस्था को विकसित होने में काफ़ी बल मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर आऊँगा।